नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। सियासत का हर भेद खोलेंगे, हर मुद्दे पर मुखरता से बोलेंगे। यहां कोई राज राज नहीं रहेगा, हर आवाज का असली अर्थ निकलेगा। हर सियासी चाल पर चर्चा होगी, हर झंडे और हथकंडे का असली रंग पहचानेंगे और राजनीति के भीतर की राजनीति जानेंगे। तो शुरू करते हैं राजनीति। पिता की हरी झंडी थी और चाचा की दुआएं, फिर भी रथ दगा दे गया। रथ के नाम में जुड़ा विकास शब्द मुंह चिढ़ाने लगा और हालत ये हुई कि 5 करोड़ के रथ की रफ्तार 500 मीटर चलने से पहले ही थम गई। फिर क्या, रथ को छोड़कर सीएम अखिलेश कार में सवार हो गए। महीनों से चल रहे मनमुटाव को आखिरकार मंच मिला। भले मन से ना सही, समाजवादी कुनवा कलह के बाद पहली बार एक साथ देखा। मौका था, रथ यात्रा था और महारथी थे अखिलेश। सारथी भी कई थे, कुछ साथ थे तो कुछ साथ दिख रहे थे। और आखिरकार चाचा शिवपाल ने भतीजे को शुभकामनाएं दे दी रथ यात्रा की शुरुआत से पहले। झंडे और झंडे की खींचतान के बीच आखिरकार नेताजी ने हरी झंडी दिखा दी, लाल टोपी पहने सीएम अखिलेश के रथ को। मुझे विश्वास है ये यात्रा के बाद भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। इसलिए हम अपने शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। ये हरा सिग्नल रथ यात्रा के लिए था या 17 की यात्रा के लिए? इससे इतर शुभकामनाएं सपा सुप्रीमो की भी मिल गई सीएम अखिलेश को। मंजिल मीलों दूर थी, रथ का सफर 100 किलोमीटर का था, वक्त था 9 घंटे का। लेकिन बेवक्त बात बिगड़ गई और अनचाहा ब्रेकर आ रहा था रथ की राह और झटका लगा रथ यात्रा को। नामी कंपनी का रथ मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मुंह चिढ़ाने लगा। 5 करोड़ का रथ 500 मीटर भी ठीक से नहीं चल पाया और अपने नाम में जुड़े विकास शब्द का ही मजाक उड़ाने लगा। जब हाईटेक रथ लोहिया पथ पर जाकर ठहर गया, देरी किस बात की। रथ का सवार खुद रथ में नहीं टिके और गाड़ी में जा बैठे। विकास रथ बस इतना काम आया कि 2-4 इंटरव्यू सीएम अखिलेश के साथ हो। मैं समझता हूँ नेताजी तय करेंगे कि गठबंधन किस रूप से बनेगा और जो गठबंधन होगा कौन पाएगा कौन खोएगा ये नेताजी आकलन करेंगे। अभी इस पे कह पाना मुश्किल है, नेताजी तय करेंगे कि क्या होना है आने वाले समय में। पिता की हरी झंडी और चाचा की दुआओं के बाद भी रथ दगा दे गया। हाईटेक रथ ने घुटने टेक दिए। जो रथ समाजवादी सफर को आगे ले जाने वाला था, उसे ले जाने के लिए क्रेन मंगानी पड़ी। सफर के इस महंगे साथी का साथ सीएम अखिलेश ने भी छोड़ दिया। बात इतनी भर नहीं है, अब सपा का आगे का सफर भी बिना गठबंधन की क्रेन के पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। रथ की रफ्तार क्यों थमी, हाईटेक रथ रास्ते में ही क्यों ठहर गया, इसके पीछे कई कयास लगाए गए। लेकिन सियासत के साथ और ग्रहों की गणना से सब साफ हो गया। ग्रहों की चाल ने रथ यात्रा का हाल ही बदल दिया और तंत्र मंत्र ने सारे यंत्र फेल कर दिए रथ यात्रा के। सब जानते हैं कि सियासत और ग्रहों का बड़ा नजदीकी संबंध है। जहां ग्रहों की चाल कब बदल जाए कहां नहीं जा सकता, वैसे ही सियासत में कब क्या घट जाए कहां नहीं जा सकता। कभी खुलकर तो कभी दबे पांव सियासतदान ग्रहों की चाल और हाल जानने की जुगत में रहते हैं। कोशिश करते हैं कि ग्रहों की चाल से उनका हाल ना बिगड़े और उन्हीं ग्रहों की गणना ने गणित बिगाड़ रखा है समाजवादियों का।
विकास रथ की चाल थमने के पीछे भी ग्रहों का गणित है। नाम विकास रथ, जन्म स्थान लखनऊ, समय सुबह 10:43। आज प्रातः 9:40 से लेके 11:44 का जो समय है यह ऐसी लगन धनु लगन गुरु का लगन है और गुरु भी अपनी जो कन्या राशि में स्थित है शत्रु राशि में और जो चंद्रमा है वो नीच राशि में वृश्चिक राशि में स्थित है। इस कार्य इस जो समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं वो हमेशा बाधा के साथ होते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते। यदकुल का तंत्र मन से पुराना नाता रहा है। एमएलसी उदयवीर सिंह सपा सुप्रीमो मुलायम को लिखी चिट्ठी में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि नेताजी के घर में तंत्र मंत्र और टोना टोटका होता है। कुछ ऐसे ही सीएम अखिलेश के रथ का पद थमा। रथ के ग्रह नक्षत्र और शुरुआती मुहूर्त कुछ यही कहता है। आज बृहस्पतिवार दिन अंतर्गत प्रातः 9:40 से लेके 11:44 तक जो है वो अस्थिर लगन धनु लगन विद्वान रहेगा सौर मंडल में और जो चंद्रमा है अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में स्थित है तो नीच के चंद्रमा और अस्थिर लगन इस समय अंतराल में जो किए गए कार्य होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, वो बाधा के साथ होते हैं और वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। ये तंत्र मंत्र का खेल है या टोने टोटके का, लेकिन समस्या अखिलेश के लिए जरूर है। हाईटेक रथ का इस तरह ठहर जाना खुद इस बात का संकेत देता है कि रथ की कुंडली में सब कुछ ठीक नहीं था और आगे का सफर कैसा होगा ये भी ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। शायद यही बात समाजवादी संकट के पीछे की कड़ी है। इस घड़ी में अखिलेश इससे कैसे उभरते हैं ये देखना होगा, लेकिन विकास रथ की थमी रफ्तार अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। कहते हैं किसी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हो तो असर नजदीकी लोगों पर भी होता है। कुछ ऐसा ही हाल सपाइयों का है। समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चाचा भतीजे के मतभेदों की वजह से निचले स्तर तक पार्टी दो धड़ों में बट गई है। कोई शिवपाल का करीबी है तो कोई अखिलेश का, और टिकट दोनों को चाहिए। फरुखाबाद में यही बात सपा के गले की फांस बन गई है। शीश का संघर्ष सतह तक पहुंच चुका है। चाचा भतीजे की खींचतान से समर्थकों की समस्या बढ़ती जा रही है। उधर पाले खींचे कुश्ती इधर शुरू हो गई। टिकट की तिकड़म में सब जुटे हैं, लेकिन दो धड़े साफ नजर आ रहे हैं हर जगह पर। फरुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा का हाल कुछ ऐसा ही है। एक तरफ अखिलेश के समर्थक तो दूसरी तरफ शिवपाल के, पीछे कोई भी हटने को तैयार नहीं। साइकिल पर सवार होकर दोनों को ही विधानसभा पहुंचना है। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा की टिकट दो सियासी खानदानों के बीच जंग की वजह बन रही है। इस क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव की टिकट पक्की मानी जा रही है, लेकिन अलीगंज से सपा विधायक रामेश्वर यादव के बेटे सुबोध यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नरेंद्र यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के पूर्व ससुर हैं और इस वक्त शिवपाल यादव के खेमे में नजर आ रहे हैं, तो सुबोध यादव सीएम अखिलेश के पाले में। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह यादव के बेटे सचिन यादव की टिकट कटवाने के बाद से शुरू हुई दोनों परिवारों की कटुता अब किसी भी हद तक पहुंचती दिख रही है। अमृतपुर फरुखाबाद की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। मोहम्मदाबाद और अमृतपुर सीट पर 1989 की जनता लहर को छोड़कर नरेंद्र सिंह यादव और उनके पिता राजेंद्र सिंह यादव का कब्जा रहा। नरेंद्र सिंह यादव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2005 में नरेंद्र सिंह यादव की बेटी मोनिका की शादी सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ हुई थी, हालांकि बाद में दोनों में तलाक हो गया। 2012 में 6ठी बार चुनाव जीतने पर नरेंद्र सिंह यादव को अखिलेश मंत्रिमंडल में व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। 2007 के लोकसभा चुनाव में सपा ने नरेंद्र सिंह यादव के बेटे सचिन यादव को उम्मीदवार बनाया था। बताते हैं कि सचिन को टिकट दिलाने में सांसद धर्मेंद्र यादव का ही खास रोल था।
लेकिन बाद में राम गोपाल यादव के हस्तक्षेप से सचिन यादव का टिकट काटकर हालीगंज के सपा विधायक रामेश्वर यादव को उम्मीदवार बना दिया गया। इस दौरान सचिन यादव ने सपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय ताल ठोक दी। बाद में विरोध के चलते नरेंद्र सिंह यादव को राजमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सचिन के विरोध से रामेश्वर यादव चुनाव हार गए और इसी के साथ दोनों परिवारों के बीच कटुता बढ़ती चली। चुनाव हारने के बाद पिता की हार का बदला लेने की कमान उनके बेटे सुबोध यादव ने थाम ली। मुख्यमंत्री से अपनी निजी संबंधों के चलते सुबोध यादव ने नरेंद्र सिंह की लाल बत्ती बहाल नहीं होने दी। पंचायत चुनाव में सुबोध सत्ता के संसाधनों का प्रयोग कर खुद तो राजेपुर में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हथिया ली। फिलहाल पार्टी 6 बार के विधायक नरेंद्र सिंह यादव की टिकट काट कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पर सुबोध यादव सियासी अदावत को किसी भी हद तक ले जाने को तैयार है। यादव परिवार में कला के चलते तो जैसे सुबोध की लॉटरी निकल आई है, उन्हें अब अपनी मन मांगी मुराद पूरी होती दिख रही है। उधर नरेंद्र सिंह यादव अपनी टिकट को लेकर निश्चिंत है और चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। देखना होगा कि सुबोध यादव अपनी लड़ाई में कहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये ऐसी अकेली सीट नहीं, अभी तो और भी कई सीटों पर शीर्ष की खींचतान के गुटबाजी सामने आ सकती है। फरुखाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं शर्मनाक सियासत की। सेना में कभी सरनेम मायने नहीं रखता, सीमा पर जिगर की जरूरत होती है, जाति कोई भी हो। लेकिन कांग्रेस ने वोटों के लिए पूर्व सैनिक की आत्महत्या में भी जाति खोज ली। बात इतनी भर नहीं, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजाराम पाल ने दलित महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी की और साथ ही उन्हें कार्यक्रम में कथित उच्च वर्ग से अलग बिठा दिया। देश का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे पे लागू करो, लागू करो, लागू करो। अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सरकार का, लगता है लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया इस सरकार का। शोपुर सियासत राजनेताओं का पुराना शक्ल है, उन्हें मौत में भी मत नजर आता है। पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मामले ने सियासत के स्याह चेहरे को उजागर कर दिया। कांग्रेस ने तो इसे दलित उत्पीड़न से जोड़ दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर विरोध जताने के लिए कानपुर में कांग्रेस ने धरना आयोजित किया। मृत पूर्व सैनिक रामकिशन को दलित बताते हुए धरने में दलित समाज को भी बुलाया गया। लेकिन जब तमाम दलित महिलाएं धरनास्थल पर पहुंची तो स्वर्ण और दलित के बीच दीवार खड़ी कर दी और उन्हें अलग से बिठाया गया। भले ही देश की सेना को जात पात से दूर रखा गया हो, हर जवान को पहनने के लिए एक जैसी वर्दी दी गई हो, लेकिन कांग्रेस ने सैनिकों को भी जाति में बांटना शुरू कर दिया और बस कुछ वोट बैंक के खातिर पूर्व सैनिक रामकिशन की आत्महत्या मामले और राहुल गांधी को पुलिस हिरासत में लिए जाने का विरोध करने के लिए कानपुर के इस धरने में तमाम दलित महिलाएं बैठी। इन्हें जाति आधार पर धरने में शामिल होने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। धरने में स्वर्ण वर्ग से आने वाले तमाम नेता भी शामिल हुए, लेकिन उन्हें दलित समाज के बीच बैठना स्वीकार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि धरना स्थल को 2 पालों में बांट दिया गया। एक पाले में कथित कुलीन वर्ग से आने वाले नेता और कार्यकर्ता बैठे तो दूसरी लाइन में विशेष आमंत्रित दलित समाज की महिलाएं। और इस व्यवस्था में पूर्व सांसद राजा राम को कोई खोट नजर नहीं आई। ना दलित को अलग किया, ना साथ बैठ करके राहुल गांधी घर में रात में सोते हैं, खाना खाते हैं, वहीं दलितों को अलग किनारे पर, दलितों को बिल्कुल अलग, वो दिल में है। हम लोग जो है दलितों को दिल में रखते हैं, उनसे किसी से पूछ लीजिए वो अलग है। हमारे घर में हमारे बेडरूम तक ऐसी कोई महिला ना गई होगी जो हमारे बेडरूम तक न गई हो। दूसरी ओर इस दोहरी व्यवस्था से दुखी दलित महिलाओं ने इसे अपनी गरीबी और दलित होने को वजह बताया और कहा कि अलग बैठाया जाना उनके समाज की नियति बन चुका है। ये बताओ, यहाँ पे बुलाया गया धरना प्रदर्शन के लिए, हाँ। तो आप लोगों को दलितों को अलग बैठा दिया, वो लोग अलग बैठे थे, ऐसा क्यों दलितों के साथ ये गलत व्यवहार है? तब का करे बाबू, गरीब आदमी तो बैठे हैं, गरीब आदमी तो बैठे हैं। बात यहीं तक नहीं थी, राजाराम पाल ने दलित महिलाओं पर ओछी टिप्पणी कर दी और उनकी अस्मिता पर सवाल उठा दिया और घटिया बात बोलते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आई।
राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद राजा राम पाल कानपुर के धरने में दलितों के साथ भेदभाव के सवाल पर बोले कि दलित महिलाएं तो उनके बेडरूम तक आती हैं। कांग्रेस का ये दलित प्रेम छलावा है, दिखावा है और नितांत धोखा है। हमेशा कांग्रेस ने धोखा ही देकर के लोगों को छला है। आज भी वो देखने को मिला कि संभ्रांत लोग और सम्मानित को अलग कर दिया, सामान्य के लोगों को अलग कर दिया और दलित समाज के लोगों को अलग बैठाल करके उन्होंने अपनी मानसिकता का आज परिचय दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि उन्होंने हमेशा दलितों को दोयम और तीयम दर्जे पर रखा है और सिर्फ दिखावे के लिए राहुल गांधी दलितों के घर जा करके खाना खाने का नाटक और नौटंकी और ढोंग रचाते हैं। सेना को जाति में बांटने वाले कांग्रेसी यही नहीं रुके और दलित महिलाओं का अपमान कर डाला। क्या वोट बैंक के लिए सियासतदान किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं? कानपुर से समाचार प्रेस के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट। अब आपको राजनीति के तीन रंग दिखाते हैं। वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार नेताओं का भेद बताते हैं। इस तस्वीर में एक तरफ है शहीद कांस्टेबल रमाशंकर यादव और दूसरी तरफ है 8 आतंकी, लेकिन सियासत की संवेदना किसके साथ है आप खुद देख लीजिए। दूसरी तस्वीर में भी वही हाल है। पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हुई परी के लिए पूरे देश में दुआएं हो रही हैं, लेकिन नेताओं के पास नन्ही परी से मिलने तक का वक्त नहीं है। और ये तीसरी तस्वीर, एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की, नेताओं की भीड़ जुट गई। इधर 3 महीने में 42 जवान शहीद हुए, सहानुभूति के 2 बोल नहीं फूटे, अंतर बस वोट बैंक का था।